हेलो स्टूडेंट्स, जय हिंद। कैसे हैं आप सभी लोग? तो मेरी अगर आपको आवाज़ प्रॉपरली सुनाई दे रही है, स्क्रीन प्रॉपरली दिखाई दे रही है, तो प्लीज़ रिप्लाई करिएगा। सेशन को स्टार्ट करेंगे। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे कुछ ये टॉपिक्स है। चलो, वेरी गुड। आज डिस्कस करेंगे हम लोग कि चंडीगढ़ के पास पहला पोलन कैलेंडर हम लोग को देखने को मिल रहा है। चंडीगढ़ को मिला है पहला पोलन कैलेंडर, उसने शुरू किया है ये। तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। प्रीलिम्स में डायरेक्टली सिर्फ इसी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो इसके बारे में भी हालांकि डिटेल में थोड़ी सी चर्चा भी करेंगे हम लोग। और क्लाइमेट चेंज के इंपैक्ट के कारण हम लोग को देखने को मिल रहा है कि एल नीनो सदन ऑसिलेशन में चेंजेस आए हैं, दैट वी नो ऑलरेडी। आप लोग को ऑलरेडी इसके बारे में पढ़ा है कि एल नीनो और ला नीना में चेंजेस हम लोग को देखने को मिले हैं। इवन मुझे तो ऐसा लग रहा है कि इस साल द करेंट ईयर, इस साल और किस किस को ऐसा लग रहा है ये भी जरूर बताइएगा कि मॉनसून और रिट्रीटिंग मॉनसून, इसका गैप जो है वो कम हो जाएगा और वो बिल्कुल विजिबल होगा, इसका कम होता हुआ गैप। क्योंकि इस बार हमें देखने को मिला है कि एक तो अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेनफॉल भी हम लोग को देखने को मिला है, और प्लस कि मतलब कि वो गैप, जैसे कि जो मॉनसून खत्म होने के बाद फिर कुछ समय के गैप के बाद जो रिट्रीटिंग मॉनसून आता था, मुझे ऐसा लगता है कि वो गैप जो है वो अब रिड्यूस होने वाला है इस बार। राइट, जीएसटी ट्राइब्यूनल के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। जीएसटी के जितने भी मामले हम लोग को सेंटर और स्टेट्स के बीच में देखने को मिलते हैं, तो उसको रिजॉल्व करने के लिए ऑलरेडी एक ट्राइब्यूनल है, बट इसके एक अपेलेट ट्राइब्यूनल पर अभी बात की जा रही है, तो इस पर हम लोग थोड़ी सी चर्चा करेंगे। इंटरनेशनल फंड फॉर एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट नाम से जन मैं, ऐसा एक फंड इंटरनेशनल फंड जो कि किसके लिए है, एग्रीकल्चर के डेवलपमेंट के लिए है, तो इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। इसके अलावा राइट टू सिट जो है वो तमिलनाडु के अंदर अब हमें देखने को मिलेगा। राइट टू सिट, जैसे दुकानदार खड़े होकर सामान जो है वो बेचते रहते हैं, दुकान में एम्प्लॉयज खड़े होकर सामान बेचते रहते हैं, राइट, तो ये चीज हमें देखने को मिलती है। तो उसके कारण उनको काफी सारे फिजिकल इश्यूज जो है वो हो रहे हैं, हेल्थ इश्यूज हो रहे हैं, राइट। बिल्कुल सही लिखा आपने सौम्य जी ने, बिल्कुल सही लिखा। तो राइट टू सिट उन्हीं के लिए है, और ऐसा नहीं है कि तमिलनाडु पहली गवर्नमेंट बनेगी जिसने राइट टू सिट करके वो लेकर आई है नियम। इसके अलावा भी और भी स्टेट्स हैं जो लेकर आई हैं, जिसके बारे में भी हम लोग चर्चा करेंगे। IUCN की रेड लिस्ट ऑफ थ्रेटेंड स्पीसीज में कुछ अपडेट सामने आया है, तो इस पर हम लोग थोड़ी सी चर्चा करने वाले हैं। अकाउंट एग्रीगेटर्स ये कौन होते हैं, इनके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं आज के, राइट, थोड़े अलग टाइप के, नए टाइप के टॉपिक्स थोड़े बहुत हम लोग को देखने को मिल रहा है, तो इस पर हम लोग डिस्कस करेंगे। आप सिंपल सी चीज ये ध्यान में रखिएगा कि चंडीगढ़ के पास पहला पोलन कैलेंडर हम लोग को देखने को मिल रहा है। इसको मिला है पहला पोलन कैलेंडर, तो ये चीज आपको ध्यान में रखना है। चंडीगढ़ सिटी जो है ये पहली पोलन कैलेंडर सिटी अब हम लोग को देखने को मिल रही है। पोलन कैलेंडर्स क्या है गाइस? तो ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है किसका? टाइम डायनेमिक्स का, एयरबॉर्न पोलन टैक्सा का। जो देखो पोलन्स क्या होते हैं आपने पढ़ा हुआ है यहां पर, मतलब साइंस की आपकी बुक में बचपन में एनसीईआरटी में आपने पढ़ा होगा कि पोलन्स हम लोग को देखने को मिलते हैं, जिसको कौन लेकर जाते हैं, बीज वगैरह जो है वो लेकर जाते हैं, हनी बीज हो गई और भी काफी सारे इंसेक्ट्स हो गए, इवन विंड के माध्यम से पोलन ग्रेन्स होते हैं, वो एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर में जो है वो ट्रेवल करते हैं, और यही पोलन ग्रेन्स की वजह से हमें देखने को मिलता है कि फ्लावर का क्या होता है, बताओ, रिप्रोडक्शन। तो फ्लावर के रिप्रोडक्शन की प्रोसेस जो होती है, बिल्कुल सही लिखा आपने, ये इसी पोलन ग्रेन्स के चलते हमें देखने को मिलती है। तो चंडीगढ़ ने ये चीज बताई है, यानी कि अपने कैलेंडर में, मतलब फोटोज के थ्रू, पिक्चर्स के थ्रू ये बताया कि कहां कहां पर, कौन सी जगह पर, किस टाइप के पोलन ग्रेन्स जो है वो पाए जाते हैं, कौन सा फ्लोरा हम लोग को वहां पर देखने को मिलता है। तो इसके बारे में एक कैलेंडर जो है वो इसने जारी किया, तो आप मेनली चंडीगढ़ जो है वो थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा, राइट। और ये मतलब इससे, इस पर्टिकुलर कैलेंडर से बहुत आसानी से विजुअल इंफॉर्मेशन के थ्रू समझ में आएगा काफी डाइवर्स तरीके के एयरबॉर्न पोलन स्पीसीज जो हमें देखने को मिलते हैं उनके बारे में, जो कि पूरे साल तक रहते हैं। इवन कुछ कुछ ऐसी पोलन हमें देखने को मिलती है जो सीजनल बेसिस पर आते हैं, तो उसके बारे में जो है वो जानकारी प्राप्त होगी, मिलेगी। बहुत ही बढ़िया, बिल्कुल सही लिखा आप सभी लोगों ने, राइट। इसका करेक्ट आंसर जो है वो दिया है पोलन ग्रेन्स का, वेरी गुड। और पोलन जो है वो क्या है, तो आप लोग को ऑलरेडी पता ही है, बट इसके अलावा पोलन जो होते हैं ना गाइस, ये एलर्जी भी क्रिएट करते हैं, इनसे होती है काफी सारी एलर्जी। ये मेजर आउटडोर एयरबॉर्न एलर्जन हम लोग को देखने को मिलते हैं, जो कि एलर्जिक रिनिटिस के लिए, अस्थमा के लिए बहुत डेंजरस होते हैं। एटॉपिक डर्मेटिस, मतलब कि स्किन से रिलेटेड डिजीज भी जो है वो ह्यूमन को होती है, राइट, एलर्जी होती है, स्किन की डिजीज होती है, अस्थमा पेशेंट के लिए ये पोलन जो होते हैं वो काफी खराब जो है वो माने जाते हैं, राइट, बिल्कुल भी हेल्दी नहीं होते। तो ये चीज है जिसके बारे में आपको ध्यान में रखना है। और कैलेंडर जो है गाइस, ये आइडेंटिफाई करेगा एलर्जी ट्रिगर्स को, पोटेंशियल एलर्जी ट्रिगर्स को, और एक अंडरस्टैंडिंग क्रिएट करेगा क्लिनिशियंस में और साइंटिस्ट रिसर्चर में अबाउट एलर्जी सफरर्स,
कि मतलब जो जिन लोग को एलर्जी होती है वो किस टाइप के पोलन के चलते होती है, तो उसके बारे में और भी ज्यादा आसानी से जो है वो अंडरस्टैंडिंग जो है वो क्रिएट होगी। आप तो सिर्फ देखो इस टॉपिक में पोलन के बारे में आप ऑलरेडी जानते ही हो, उसका उसमें आपको बताने की आवश्यकता नहीं है, उसकी अंडरस्टैंडिंग आपको ऑलरेडी है। चंडीगढ़ के बारे में फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन करंट अफेयर्स पॉइंट ऑफ व्यू से आपको पता होनी चाहिए, इतनी चीज है, इसको आप ध्यान में रखो। क्लियर है यहां तक बातें? अब नेक्स्ट टॉपिक की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, एल नीनो सदन ऑसिलेशन। तो आप जानते हैं गाइस कि टेम्परेचर लेवल में जब चेंजेस हम लोग को देखने को मिलते हैं, राइट, जब शिफ्ट हम लोग को देखने को मिलता है स्पेशली, अच्छा ये बताओ मुझे कि ये एल नीनो और ला नीना का इवेंट जो है वो किस ट्रॉपिक्स के बीच में हम लोग को देखने को मिलता है? इक्वेटर के नजदीक होता है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से लेकर ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में हम लोग को देखने को मिलता है, या फिर मतलब फर्दर ट्रॉपिक्स पे, यानी कि नदर्न ट्रॉपिक्स के ऊपर जो हमें देखने को मिलता है ना, आर्टिक सर्कल, एंटार्क्टिक सर्कल, तो वहां पर होता है। बताओ कहां पर होता है ये ज्यादातर ये फिनोमेना हम लोग को कहां पर देखने को मिलता है? और इवन ये भी पूछा जा सकता है, बिल्कुल सही लिखा आपने, इवन ये भी पूछा जा सकता है मेनली, क्योंकि मैंने तो आपसे ये सर्कल के बारे में बात करी कि किस सर्कल के पास होगा, तो ये मेनली हम लोग को इक्वेटर के नजदीक में हम लोग को देखने को मिलता है। आप देख सकते हैं इस डायग्राम में भी आपको जो है वो इक्वेटर यहां पर नजर आ रहा होगा, राइट, इक्वेटर के नजदीक में हम लोग को देखने को मिल रहा है, राइट। बट एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देखो अभी तक सिविल सर्विसेज ने इस टाइप का क्वेश्चन नहीं पूछा किस सर्कल के नजदीक है, राइट, तो आपको इससे रिलेटेड भी थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए। यूपीएससी अक्सर ये वाले क्वेश्चन पूछती है कि किस ओशियन पर ये फिनोमेना जो है वो किस ओशियन से रिलेटेड है, तो जरा बताओ कौन से ओशियन से रिलेटेड ये फिनोमेना हम लोग को देखने को मिलता है, राइट, किस ओशियन से रिलेटेड है, ऐसा क्वेश्चन भी जो है वो पूछा जा सकता है। ये दोनों एल नीनो ला नीना का कॉन्सेप्ट, किस ओशियन का मेनली फिनोमेना हम लोग को देखने को मिलता है, अलग अलग आंसर्स आ रहे हैं, किसी का एटलांटिक आ रहा है, किसी का पैसिफिक आ रहा है, बोथ किसी का नहीं हो सकता, इंडियन ओशियन में नहीं होता क्या ये, बताओ जरा, बताओ जरा कि कहां पर ये इवेंट हम लोग को देखने को मिलता है, जल्दी से बताओ। कुछ लोगों ने मतलब काफी सारे स्टूडेंट्स ने लिखा है पैसिफिक ओशियन, इंडियन ओशियन किसी ने नहीं लिखा, इंडिया में भी होता है, ठीक है, तो ये चीज भी आप लोग थोड़ी सी ध्यान में रखिएगा। इवन अटलांटिक ओशन में भी इसका इफेक्ट हम लोग को, और इवन सदर्न अटलांटिक ओशन, तो इसका इफेक्ट हम लोग को सदर्न अटलांटिक ओशन पर भी देखने को मिलता है, ठीक है, तो ये चीज भी आप लोग को थोड़ी सी ध्यान में रखनी है, इससे रिलेटेड डायरेक्ट क्वेश्चन जो है वो बनते हैं इस टाइप के, ठीक है। तो अभी बताया जा रहा है कि कुछ रिसर्च जो है वो सामने आ रही है जो कि सजेस्ट कर रही है कि क्लाइमेट चेंज जो एक्सट्रीम लेवल पर हमें देखने को मिल रहा है और इसी के चलते भारी मात्रा में हम लोग को एल नीनो और ला नीना का इवेंट्स होगा। अच्छा मैंने आप लोग को पढ़ाया हुआ है, बताओ फ्लड के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है, इंडिया के अंदर जो बाढ़ आती है, फ्लड आती है, उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, एल नीनो है या ला नीना है, ऐसा कुछ क्वेश्चन आ जाए तो आप क्या मेंशन करेंगे कि इंडिया के अंदर जो फ्लड जो है उसके लिए दोनों में से कौन रिस्पॉन्सिबल है बाढ़ के लिए, एल नीनो है या ला नीना है, बताओ जरा। तो ला नीना, ला नीना, ला नीनो नहीं, ला नीना, ला नीना हम लोग को देखने को मिलता है कि जो रिस्पॉन्सिबल है। तो ज्योग्राफी का काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, ज्योग्राफी के स्टैटिक पोर्शन में इस टॉपिक को बहुत अच्छे से करके रखना है आप लोगों को, बहुत अच्छे से, राइट, एल नीनो ला नीना, क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चन जो है वो पूछे जाएंगे, क्योंकि क्लाइमेट चेंज हम लोग को देखने को मिल रहा है और क्लाइमेट चेंज के लिए ये बॉडीज जो है वो, यानी कि ये इवेंट जो है वो काफी इंपॉर्टेंट हम लोग को देखने को मिलता है। और स्टडी एक रिसेंटली कंडक्ट की गई थी, इसमें साउथ कोरिया का फास्टेस्ट कंप्यूटर का उपयोग करते हुए जिसके थ्रू ये वाली चीज जो है वो पाई गई है, क्या क्या चीज पता लगी है, तो बताया गया कि एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ गया है, जिसके बारे में हम लोग को ऑलरेडी जानकारी है कि कार्बन डाइऑक्साइड का एमिशन जो है वो इंक्रीज हो गया है, राइट, इंक्रीज हो गया है, और हमें देखने को मिल रहा है कि इसके कारण से क्या हो रहा है, आने वाले समय में एल नीनो सदन ऑसिलेशन, जो फ्यूचर के एल नीनो सदन ऑसिलेशन है वो काफी फ्रीक्वेंट जो है वो हो जाएंगे, राइट, काफी तेज हम लोग को देखने को मिलेंगे, राइट, और साथ ही साथ मतलब सिमुलेटेड एल नीनो सदन ऑसिलेशन अनइवन होंगे, ठीक है। तो इन्होंने ये वाली चीज कही है कि कुछ एरियाज पर एल नीनो सदन ऑसिलेशन का इफेक्ट नहीं दिखेगा और कुछ एरिया पर दिखेगा, क्यों, क्योंकि यहां पर इन्होंने बात करी है टेम्परेचर वेरिएबिलिटी, राइट, कि टेम्परेचर लेवल जो है वो कहीं पर हम लोग को ज्यादा देखने को मिलेगा, और आपको पता है कि ये पूरा खेल जो होता है ना
ये पूरा खेल टेम्परेचर के ऊपर डिपेंडेंट है। क्यों टेम्परेचर के ऊपर डिपेंडेंट है? क्योंकि पूरी हवा ही जो है वो टेम्परेचर के ऊपर डिपेंडेंट होती है। कैसे? क्योंकि कहीं पर लो प्रेशर जब क्रिएट होता है, तो मैंने आपको बताया कि जब भी लो प्रेशर जहां पर क्रिएट होगा, वहां की जो हवा है ऊपर की तरफ जो है वो मूव कर जाएगी, राइज कर जाएगी। आपने घर में कभी पानी को गर्म किया है, दूध को गर्म किया है, तो आपने देखा है ना कि भाप ऊपर की तरफ जाती है, आप गर्म करते हो, तो ऐसे तो नहीं आजू बाजू तिरछी तरफ जा रही है, ऊपर की तरफ जो है वो रेज होती है, बुलबुले ऊपर की तरफ हम लोग को निकलते हुए नजर आते हैं, है ना, भाप ऊपर की तरफ जाती हुई नजर आती है। तो जब भी गर्माहट जहां पर होगी, तो उस जगह पर लो प्रेशर क्रिएट होगा, मतलब कि वहां की जो हवा है वो ऊपर चली गई है गर्म होके। अब जहां पर लो प्रेशर क्रिएट होगा, तो हाई प्रेशर से हवा लो प्रेशर की तरफ आएगी ना, ये नेचर हम लोग को देखने को मिलता है, हाई प्रेशर से हवा लो प्रेशर की तरफ मूव करेगी उस वैक्यूम को क्लियर करने के लिए। तो यहां पर यही चीज बताई जा रही है, कहीं पर हम लोग को एल नीनो सदर्न ऑसिलेशन जो है वो फ्रीक्वेंट होता हुआ नजर आएगा, यानी कि किसी स्टेज पर, जैसे पेरू के पास, क्या पता पेरू के पास, या क्या पता ऑस्ट्रेलिया के रीजन के पास, क्या पता इंडोनेशिया के पास, राइट, तो इन क्षेत्रों में एकदम से हम लोग को चेंजेस है वो कभी तेजी में देखने को मिलेंगे, कभी वीक देखने को मिलेंगे, यानी कि अनइवन हम लोग को ये चीज देखने को मिलने वाली है, राइट। और फ्यूचर एल नीनो इवेंट जो होंगे, तो उसमें बताया ये भी जा रहा है कि इट विल लूज हीट टू द एटमॉस्फेयर मोर क्विकली, तो बहुत जल्दी जो है वो एटमॉस्फेयर में अपनी हीट जो है वो रिलीज कर देंगे, और किसके कारण? काफी तेजी से वाटर वेपर भी इवेपोरेट हो रहा है उसके कारण। तो इससे क्या होगा? अब देखो, अब जैसे हमने साइक्लोन में भी डिस्कस किया था कि एनर्जी इन सब इवेंट्स को किससे मिलती है? हीट से मिलती है, हीट ही इनके लिए एनर्जी होती है। जैसे कि साइक्लोन की अगर हम बात करें, अगर टेम्परेचर लेवल अगर इंक्रीज होता जाएगा, तो साइक्लोन्स भी फ्रीक्वेंट होंगे, राइट। एल नीनो सदर्न ऑसिलेशन में यह भी बताया जा रहा है कि अगर वाटर वेपर की हीट जो है, या फिर इनकी हीट जो है वो रिलीज हो जाएगी, तो ये लूज हो जाएंगे, एनर्जी इनकी खत्म हो जाएगी। तो यही चीज इन्होंने दोनों स्टेटमेंट में, यानी कि इसकी लेटेस्ट स्टडी में समझाने की कोशिश करी है कि टेम्परेचर लेवल जो इंक्रीज हुआ है ह्यूमन के कारण, जो कार्बन डाइऑक्साइड जो एमिट किया है, कार्बन डाइऑक्साइड का एमिशन बढ़ गया है, उसके चलते टेम्परेचर लेवल में जो चेंजेस आए उसके कारण हम देखेंगे कि एल नीनो सदर्न ऑसिलेशन में भी इसका डायरेक्ट इफेक्ट जो है वो देखने को मिलेगा। कुछ केसेस में इंक्रीज हो जाएंगे कुछ जगह पर हम लोग को लो या वीक जो है वो देखने को मिलेंगे। तो ये क्लैरिटी बहुत अच्छे से आप रखिए। इन द फ्यूचर देयर विल बी रिड्यूस्ड टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन ईस्टर्न एंड वेस्टर्न ट्रॉपिकल पैसिफिक, रिड्यूस्ड टेम्परेचर डिफरेंस, तो टेम्परेचर डिफरेंस कम हो जाएगा, मतलब कि जैसे कि अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले ही जब क्लास को स्टार्ट किया था, तब मैंने आपको बताया था कि अभी ऐसा लग रहा है कि शायद मॉनसून जो है और रिट्रीटिंग मॉनसून है, इसके बीच का गैप जो है वो क्लियरली विजिबल नजर आएगा कम होता हुआ। वैसे ही ये भी बता रहे हैं कि जो टेम्परेचर का डिफरेंस है ईस्टर्न और वेस्टर्न ट्रॉपिकल पैसिफिक क्षेत्र पर, तो वो भी हम लोग को उसका गैप भी जो है वो रिड्यूस हो जाएगा, यानी कि एक जैसी चीजें नजर आएंगी, यानी कि जो हम लोग चेंजेस हमेशा ऑब्जर्व करते थे वो अब धीरे धीरे जो है वो कम होने लगेंगे। तो ये वाली चीज यहां पर बताई जा रही है, राइट। और इसमें बताया जा रहा है कि टेम्परेचर एक्सट्रीम्स पर जो बताया जा रहा है, यानी कि ये सब जो चीजें होती हैं वो किसके कारण होती है? जब टेम्परेचर लेवल जो है वो इंक्रीज होता है, और अभी जो है वो इंक्रीज हो रहा है, और उसी के कारण हम लोग को अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो देखने को मिलेगा हर जगह पर, ना ही सिर्फ रेनफॉल में बल्कि एल नीनो सदर्न ऑसिलेशन की प्रोसेस में भी, राइट। ऑल्सो देयर विल बी देयर कैन बी अ वीकनिंग ऑफ ट्रॉपिकल इंस्टेबिलिटी वेव्स। तो ऑब्वियस ही बात है कि जब हम लोग को, जैसे कि टेम्परेचर किसी जगह पर ज्यादा होगा किसी जगह पर कम होगा, तो मैंने आपको विंड का जो एग्जांपल दिया था कि जहां पर भी टेम्परेचर ज्यादा होगा वहां पर लो प्रेशर क्रिएट होगा और वहां पर हवा जो है वो उस डायरेक्शन में जो है वो मूव करेगी। सेम फिनोमेना यहां पर भी हम लोग को इस चीज के लिए बताया जा रहा है कि ट्रॉपिकल इंस्टेबिलिटी की वेव्स जो जब वीक हम लोग को देखने को मिलेंगी, राइट, तो ये चीज भी बताया जा रहा है क्यों वीक हम लोग को देखने को मिलेगी, इंस्टेबिलिटी हो जाएगी ना, क्योंकि अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन हम लोग को देखने को मिलेगा हीट का भी, राइट। तो ये चीज बताई जा रही है, तो इसके कारण से ला नीना के इवेंट जो है वो डिस्टर्ब्ड होंगे। तो ये चीज है पूरी जिसकी एक स्टडी के अंदर जो है वो बताया गया। इसकी अगर मैं एक लाइन में अगर समरी आपको बताऊं, तो एल नीनो सदर्न ऑसिलेशन जो है वो इंबैलेंस जो है वो आने वाले समय में होने वाले हैं, राइट। इंबैलेंस सिचुएशन इसकी क्रिएट होगी, राइट, बिल्कुल। चलो अब आगे की बात करें, यहां पर व्हाट आर द नीनो एंड द ला नीना, एल नीनो और ला नीना होगा, ये मेरे ख्याल से नीनो इन्होंने लिख दिया है बस। तो देखो, दो नेचुरल क्लाइमेट फेनोमेना ये हम लोग को देखने को मिलते हैं जो कि ट्रॉपिकल पैसिफिक ओशियन में हमें नजर आते हैं, यानी कि ये फेनोमेना होते हैं ट्रॉपिकल पैसिफिक ओशियन पे, बट इसका इफेक्ट हम लोग को अटलांटिक पे भी, इंडियन ओशियन पर भी देखने को मिलता है, राइट। क्योंकि इंडियन ओशियन पर डेफिनेटली इफेक्ट देखने को मिलेगा, जब भी तो हम लोग इसकी जो है वो स्टडी कर रहे हैं, और इंडिया पर इसका डायरेक्ट इफेक्ट हम लोग को देखने को मिलता है, राइट। कभी इंडिया में ड्रॉट आ जाती है, कभी फ्लड आ जाता है, वो इसी के कारण हमें देखने को मिलता है। जैसे आपने बिल्कुल सही मेंशन किया था, ला नीना जो है वो फ्लड के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, एल नीनो सूखे के लिए, ड्रॉट के लिए जो है वो रिस्पॉन्सिबल होता है। ये वेदर कंडीशन को पूरे दुनिया भर में इन्फ्लुएंस करता है।
राइट। तो देखो दो चीज है, इन्फ्लुएंस की अगर बात आ रही है तो ये सभी ओशियंस आप मेंशन करेंगे, और अगर बात आ रही है प्रोसेस की कि ये कहां पर अकर होते हैं, अकरिंग, तो ट्रॉपिकल पैसिफिक ओशियन। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है, ट्रॉपिकल पैसिफिक ओशियन। तो यहां पर ये इवेंट्स हम लोग को देखने को मिलते हैं। वाइल्ड एल नीनो पीरियड जो होता है वो वार्मर होता है, राइट, मतलब एल नीनो का जो समय हमें देखने को मिलता है इसमें गर्मी जो होती है वो बहुत ज्यादा हम लोग को देखने को मिलती है, वार्मिंग होती है, राइट। सी सरफेस टेम्परेचर जो होता है वो इंक्रीज हो जाता है, तो ये चीज यहां पर बताई जा रही है, इंक्रीज सी सरफेस टेम्परेचर, कहां पर, सेंट्रल और ईस्टर्न ट्रॉपिकल पैसिफिक क्षेत्र में। अब आप बहुत ध्यान से सुनो, मैंने आपको अभी फंडामेंटल समझाया था टेम्परेचर लेवल के इंक्रीज होने का, तो आप इमेजिन करो कि कौन से क्षेत्र की यहां पर बात हो रही है, सेंट्रल और ईस्टर्न ट्रॉपिकल पैसिफिक ओशियन। तो जब ईस्टर्न ट्रॉपिकल पैसिफिक ओशियन पर पानी जो है वो गर्म होगा, तो वेस्टर्न क्षेत्र से पानी जो होगा वो किसकी तरफ मूव करेगा, हवा जो होगी वो किसकी तरफ मूव करेगी, ये सेंट्रल और ईस्टर्न ट्रॉपिकल पैसिफिक ओशन की तरफ मूव करेगी। और जब यहां पर जब पूरी हवा और पानी जो है वो मूव करेंगे तो कहीं ना कहीं इंडिया के पास जो है वो मॉनसून नहीं आ पाएगा, पूरे जो बादल है जो हवा लेकर पानी लेकर आ रहे थे तो वो पूरे के पूरे इस तरफ जो है वो मूव हो जाएंगे, किस तरफ, सेंट्रल और ईस्टर्न ट्रॉपिकल पैसिफिक ओशन की तरफ। तो इसलिए हमारे पास यहां पर एल नीनो के पीरियड में पानी की कमी हो जाती है, ड्रॉट की कमी हो जाती है, राइट। और ला नीना का इवेंट हमें देखने को मिलता है, ये कहां पर होता है, इट कॉजेस वाटर इन द ईस्टर्न पैसिफिक ओशियन टू बी कोल्डर देन यूजुअल। तो सेम उल्टा फेनोमेना, अभी तक ईस्टर्न ट्रॉपिकल पैसिफिक ओशियन में गर्मी थी तो पूरा का पूरा जो वेदर इवेंट था, या फिर आप सिंपल शब्दों में अगर समझाऊं मैं आपको, तो पूरी की पूरी हवा जो है वो उस तरफ चली गई थी, वैक्यूम वहां पर क्रिएट हुआ था, लो प्रेशर क्रिएट हुआ था, तो इस कारण से हमें भी सफर करना पड़ गया, राइट। बट जब वहां पर ठंडी होगी, मतलब यहां पर गर्मी है, यहां पर टेम्परेचर लेवल इंक्रीज है इंडियन ओशन के पास, तो पूरा का पूरा वहां से हवा जो होगी वो यहां पर आएगी और इंक्रीज हम लोग को वो देखने को मिलेगा, यानी कि वर्षा इंक्रीज जो है वो देखने को मिलेगी, हमें देखने को मिलेगा कि यहां पे फ्लड आ जाएगा इंडिया के अंदर, बाढ़ जो है वो आ जाएगी, राइट। तो ये सब फेनोमेना हम लोग को देखने को मिलता है। बिल्कुल आपने पेरू की जो बात करी है बिल्कुल सही बात करी है कि पेरू पर हम लोग को कौन सा डेजर्ट है वो पेरू पर, मुझे उस डेजर्ट का नाम नहीं आ रहा, अकाटामा, अकाटामा डेजर्ट है, क्या नाम है उसका, पेरू पर एक डेजर्ट है काफी फेमस, कोल्ड डेजर्ट जिसको हम लोग बोलते हैं, राइट। तो वहीं पर ही ये पूरा फिनोमेना होता है। आपको याद है उस पेरू का क्या नाम है उस डेजर्ट का, मतलब इस फिनोमेना के साथ उस डेजर्ट का नाम जो है वो यूज किया जाता है काफी बार, राइट। अकाटामा ही है या फिर ऐसा कुछ नाम है उसका, एक बार आप प्लीज नाम जो है वो कंफर्म कर लीजिएगा। हाँ, अटाकामा, बिल्कुल हाँ, अटाकामा बोलते हैं उसको, अटाकामा डेजर्ट। तो वही मेरे दिमाग में क्लिक हो रहा था, मैंने कहा ऐसा कुछ पढ़ा है, राइट। तो अटाकामा डेजर्ट, तो वहां पर पूरा इंसिडेंस हम लोग को मेनली देखने को मिलता है इस क्षेत्र पर, राइट। तो ये चीज है, और टुगेदर एल, इन दोनों इवेंट्स को हम लोग क्या बोलते हैं, एनसो, ई एन एस ओ, या फिर एल नीनो सदर्न ऑसिलेशन। तो इसके बारे में एक आपको जानकारी होनी चाहिए। अब एल नीनो की यहां पर सेपरेटली जो है वो बात की गई है, तो एनोमली, गड़बड़ी, तो जब हम लोग को देखने को मिलता है कि गड़बड़ी होती है टेम्परेचर के पैटर्न में, या फिर नॉर्मल जो वेदर का जो पैटर्न है, राइट, तो उसमें जब गड़बड़ी होती है तब उस समय एल नीनो की कंडीशन जो है वो स्टैब्लिश होती है। ये देखो, वेस्ट ब्लोइंग ट्रेड विंड्स होती हैं वो वीक हो जाती हैं इक्वेटर के ऊपर, तो इक्वेटर सर्कल को याद रखिएगा, राइट। इक्वेटर पर ये पूरा इवेंट हम लोग को देखने को मिलता है, और ये किस कारण होती है कि एयर प्रेशर में चेंजेस आते हैं, सरफेस वाटर जो है वो ईस्ट की तरफ जो है वो मूव कर जाता है, राइट, और मतलब टू द कोस्ट ऑफ नदन साउथ अमेरिका, नदन साउथ अमेरिका के कोस्ट पर हमें देखने को मिलता है कि ये मूव कर जाता है पूरा का पूरा, हमें एयर प्रेशर देखने को मिलता है, सी सरफेस वाटर हम लोग को देखने को मिलता है, राइट। तो ये चीज हवा बताई जा रही है, और सेंट्रल और ईस्टर्न पैसिफिक रीजन जो है वो गर्म हो जाते हैं। अब गर्म होंगे तो पूरी हवा जो होगी वेस्टर्न पैसिफिक से वो पूरी की पूरी यहां पर चली जाएगी, राइट, इसके पास जो है वो चली जाएगी, और ये इवेंट जो होता है वो 6 महीने के आसपास का हम लोग को देखने को मिलता है, 6 मंथ्स के आसपास, यानी कि चलता है, कंटिन्यू चलता है, और पीक पर जब आता है तब ये वाले इवेंट्स हम लोग को देखने को मिलता है, और एल नीनो की कंडीशन यहां पर हो जाती है। देखो, मेन क्वेश्चन आपसे प्रीलिम्स में जो पूछा जाएगा वो एक तो इक्वेटर सर्कल से रिलेटेड पूछा जाएगा, अकर कहां पर होता है ये पूछा जाएगा कि ये इवेंट पूरा का पूरा कहां पर होता है, तो आपको पैसिफिक, ट्रॉपिकल पैसिफिक क्षेत्र आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है, राइट, और इसका इफेक्ट कहां पर देखने को मिलता है, तो अटलांटिक, इंडियन, सभी जगह इसका इफेक्ट हम लोग को देखने को मिलेगा। तो बहुत ध्यान से स्टेटमेंट को पढ़िएगा, एल नीनो ड्रॉट के, इंडिया के अंदर ड्रॉट के लिए रिस्पॉन्सिबल है, सूखे के लिए रिस्पॉन्सिबल है, ला नीना इंडिया के अंदर फ्लड के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ये चार चीज तो आपको बहुत अच्छे से पता होनी चाहिए, राइट। तो ये था गाइस पूरा ओवरऑल टॉपिक, होपफुली आपको पूरी चीज अच्छे से समझ में आ गई होगी, और पेपर वन से रिलेटेड सिर्फ इतने ही टॉपिक्स थे।
सर ट्रिक से याद क्या था, इंडिया बोलती है लाला पानी ला तो ज्यादा पानी। अच्छा चलो वेरी गुड यार, ये अच्छी ट्रिक है आपकी कि लाला पानी ला तो ज्यादा पानी। यार एक सर हैं ज्योग्राफी के, एक्चुअली अभी तो वो नहीं रहे हैं, स्वर्गवास उनका हो गया है, और वो बहुत शानदार सर है यार ज्योग्राफी के। उनका नाम मेरे ख्याल से ओझा नाम है, उनका ओझा नाम है, ज्योग्राफी को पढ़ाते हैं ओझा सर। एक बार आप उनके चैनल को सर्च करिएगा, ज्योग्राफी से रिलेटेड ये सब फिनोमेना उन्होंने बहुत अच्छे से क्लियर करके रखा हुआ है। उनके यूट्यूब पर बहुत सारे वीडियोज हैं, मैं एक मिनट रुको, मैं भी उनका मैं आपको बता भी देता हूँ। ओझा सर का जो चैनल है ना उसका मैं एग्जैक्ट नाम बता देता हूँ आपको, तो आप उस चैनल लिख लेना, उस चैनल को देखना यार, बताए बहुत अच्छे से सर ने ये सब कॉन्सेप्ट समझाए हुए हैं ज्योग्राफी के। ओझा सर ज्योग्राफी डालना, GEO ज्योग्राफी, बहुत सारी चीज उन्होंने बहुत अच्छे से जो है वो पढ़ाई हुई है। नहीं नहीं ये तो नहीं दिख रहा है, ये आलोक ओझा दूसरा, ये है ये इनका जो चैनल है ज्योग्राफी विद प्रोफेसर SS ओझा, लिख लो ज्योग्राफी विद प्रोफेसर SS ओझा। इस चैनल को आप देख लोगे ना तो मजा आ जाएगा आपको, मैं आपको बता रहा हूँ। इस चैनल पे उन्होंने इतने अच्छे से पूरी चीज पढ़ाई हुई है, उनके वीडियोस आज भी अवेलेबल है। बीच बीच में उनके कुछ मतलब उनके मेरे ख्याल से वो होंगे परिवार वाले, वो कुछ और इनके भी वीडियोस डालते हैं, मतलब फिर से रिपीट करते हैं वीडियोस वगैरह, तो आते रहते हैं। तो बहुत अच्छे से उन्होंने हर फिनोमेना को समझाया, आप देखिएगा, मतलब जैसे बहुत थोड़ा सा स्लो समझाया, बहुत अच्छे से समझाया। इवन ये काफ़ी सारी यूनिवर्सिटीज़ के प्रोफेसर भी रह चुके हैं, काफ़ी सारी मतलब टॉप मोस्ट यूनिवर्सिटी के, मेरे ख्याल से आई एम नॉट रॉन्ग शायद इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के भी ये प्रोफेसर रह चुके हैं। चलो एनीवेज आगे की बात करते हैं, पेपर टू के टॉपिक को अब हम लोग कवर करेंगे। तो इनका देखिएगा आप, इनके मतलब इनमें आपको ज्योग्राफी से रिलेटेड परेशान होने की जरूरत नहीं पड़ेगी, पूरा इन्होंने कवर कराया हुआ है यार। इवन ज्योग्राफी ऑप्शनल तक आप इनके वीडियो से जो है वो कवर कर सकते हो, प्रिपेयर कर सकते हो, क्योंकि इन्होंने इतने अच्छे से चीज़ों को जो है वो एक्सप्लेन किया हुआ है। एक बार देखना अगर आपको पसंद आए तो, राइट। चलो एनीवेज आगे की बात करते हैं, अब पेपर टू के टॉपिक्स को हम लोग कवर करेंगे। GST ट्रिब्यूनल, ट्रिब्यूनल से क्या समझ में आ रहा है आपको, कोर्ट ये हम लोग को देखने को मिलती है, ट्रिब्यूनल यानी कि कोर्ट हम लोग को देखने को मिल रही है, राइट, कोर्ट है ये। तो सुप्रीम कोर्ट ने वॉर्न किया है गवर्नमेंट को कि गवर्नमेंट जो है, गवर्नमेंट के पास कोई भी ऑप्शन नहीं है सिवाय इसके कि उसे GST अपेलेट ट्रिब्यूनल जो है वो एस्टैब्लिश करना होगा। तो GST अपेलेट ट्रिब्यूनल क्या है, तो ये सेकेंड अपील, अपेलेट मतलब सेकेंड अपील, आप लोग जानते हैं जैसे कि डिस्ट्रिक्ट में हमें देखने को मिलता है कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में केस आ जाते हैं, तो आप उस केस को चैलेंज कर सकते हो हायर अथॉरिटी के पास, यानी कि हाई कोर्ट के पास। हाई कोर्ट में केस हार जाते हो तो आप उस जजमेंट को चैलेंज कर सकते हो हायर अथॉरिटी के पास, टॉप मोस्ट अथॉरिटी, एपेक्स अथॉरिटी, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट, है ना। तो वैसे ही एक GST का अपेलेट ट्रिब्यूनल है, यानी कि GST ट्रिब्यूनल के डिसीजन को चैलेंज किया जा सकता है GST अपेलेट ट्रिब्यूनल में। तो ये सेकेंड अपील फोरम हमें देखने को मिल रहा है GST के अंदर कि कोई भी डिससेटिस्फैक्ट्री ऑर्डर होता है, यानी कि जो भी ऑर्डर पहले अपेलेट अथॉरिटी ने पास किया है और उससे सेटिस्फाइड नहीं है, तो आप दूसरी GST मतलब अपेलेट ट्रिब्यूनल के पास, यानी कि दूसरे कोर्ट के पास, हायर कोर्ट के पास जो है वो अपील कर सकते हो पहले कोर्ट के ऑर्डर को। और नेशनल अपेलेट ट्रिब्यूनल जो है ये पहली कॉमन फोरम हम लोग को देखने को मिल रही है जो कि GST के मामले सेंटर और स्टेट्स के बीच में रिजॉल्व करती है। तो अभी जो है हमारे पास वो है नेशनल अपेलेट ट्रिब्यूनल। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आपको सरकार को कि आपको एक GST अपेलेट ट्रिब्यूनल जो है वो बनानी पड़ेगी कि नेशनल अपेलेट ट्रिब्यूनल के जो अपील्स हैं, इनके जो जजमेंट है, डिसीजन है, उसे ऊपर यानी कि GST अपेलेट ट्रिब्यूनल में जो है वो चैलेंज किया जा सके, राइट। और इसके पास बिल्कुल सेम पावर है नेशनल अपेलेट ट्रिब्यूनल के पास जो पावर हम लोग को सिविल कोर्ट के पास जो है वो देखने को मिलती है एक मामले को करने के लिए, मतलब ट्रायल करने के लिए, राइट, यानी कि एक मामले की सुनवाई में पूरी पावर इसके पास हम लोग को, पूरी अधिकार इसके पास हम लोग को सिविल कोर्ट के देखने को मिलते हैं। सेक्शन 109 जो GST एक्ट का है, तो इसने मेंशन किया हुआ था कि आपको जो है वो एक ट्रिब्यूनल जो है वो एस्टैब्लिश करना है, राइट। और ये GST अपेलेट ट्रिब्यूनल, तो इसका कुछ इस प्रकार से स्ट्रक्चर हम लोग को देखने को मिलेगा। नेशनल बेंच इसकी न्यू दिल्ली में सिचुएटेड हम लोग को देखने को मिल रही है नेशनल अपेलेट ट्रिब्यूनल की, राइट। और इसके अंदर हम लोग को एक नेशनल प्रेसिडेंट यानी कि इसके हेड देखने को मिलते हैं और दो टेक्निकल मेंबर हमें देखने को मिलते हैं, एक जो होते हैं वो सेंटर के और एक स्टेट के हम लोग को देखने को मिलते हैं। इसकी रीजनल बेंचेस की बात करें तो GST काउंसिल के रिकमेंडेशन के आधार पर सरकार ने बनाई है रीजनल बेंचेस, राइट। और अभी तक सिर्फ 3 रीजनल बेंचेस ही हैं, ये बढ़ भी सकती हैं आगे चल के, कहां कवर है, मुंबई, हैदराबाद, कोलकाता, तो ये चीज आप थोड़ी सी ध्यान रखिएगा। स्टेट बेंच,
स्टेट बेंच और एरिया बेंच भी वो डिपेंड करेगा सरकार के ऊपर, वो भी कॉन्स्टिट्यूट कर सकती है सरकार। ठीक है, क्लियर है यहां तक बातें? तो सिंपल सी चीज है और कुछ नहीं है। सेंटर स्टेट्स के बीच में जीएसटी को लेकर अगर कोई डिस्प्यूट होता है तो उसके लिए नेशनल अपेलेट ट्रिब्यूनल ऑलरेडी है। अभी सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आप जीएसटी अपेलेट ट्रिब्यूनल जो है वो लेकर आए, राइट? तो ये चीज हमें देखने को मिल रही है, सिंपल सी। बस ये चीज बस आप थोड़ी सी ध्यान में रखिएगा। अब आगे की चर्चा करते हैं। इंटरनेशनल फंड फॉर एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट, नाम से समझ में आ रहा है ये एक ऐसा फंड है जो कि एग्रीकल्चर के डेवलपमेंट के लिए है। और श्रीलंका के अंदर आपको पता है कि क्या दिक्कतें चल रही हैं, बताओ जरा, किसको पता है? कल के लेक्चर में भी और पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं कि श्रीलंका के अंदर फूड इमरजेंसी हमें देखने को मिल रही है, फूड इमरजेंसी। और वहां पे हमने पढ़ा भी है कि श्रीलंका के अंदर बड़ी दिक्कतें हैं। इन्होंने कुछ पॉलिसीज भी कुछ समय पहले लेकर आए थे, राइट, कि जिसके तहत इन्होंने केमिकल फर्टिलाइजर्स को टोटली मतलब बैन कर दिया था और कहा था कि आप ऑर्गेनिक, यानी कि किसानों को कहा था कि आप सिर्फ ऑर्गेनिक जो वो है मतलब मेथड्स हैं उसका इस्तेमाल करें आप कल्टीवेशन के लिए, राइट? तो उसके कारण भी बड़ा नुकसान हमें देखने को मिला था कि फूड की बड़ी दिक्कतें चल रही हैं, राइट? फूड इमरजेंसी हम लोग को देखने को मिल रही है, राइट? इवन आपने बिल्कुल सही कहा, इकोनॉमिक इमरजेंसी वहां पर भी हम लोग को देखने को मिल रही है। श्रीलंका के अंदर बड़ी हालत खराब है कोविड 19 के बाद, राइट? और कर्जे में भी बहुत ज्यादा श्रीलंका हमें देखने को मिल रही है। तो श्रीलंका के अंदर एग्रीकल्चर सेक्टर को बूस्ट करने के लिए श्रीलंका और इन्होंने हाथ मिलाया इंटरनेशनल फंड फॉर एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट ने, दोनों साथ में मिलकर काम कर रहे हैं, ये प्रमोट कर रहे हैं, यानी कि ये IFAD जो है ये प्रमोट कर रही है एग्रीकल्चर बेस्ड इकोनॉमी को श्रीलंका की। और ये मिलकर टारगेट कर रहे हैं कि ये क्रिएट करेंगे स्मॉल होल्डर एग्री बिजनेसेस एंड रेजिलियंस प्रोजेक्ट, राइट? यानी कि किस छोटे किसान के लिए कुछ प्रोजेक्ट जो है वो लाए जाएंगे जिससे कि छोटे किसान को बेनिफिट जो है वो मिल सके, जिससे कि गरीबी दूर हो सके वहां पर, फूड इनसिक्योरिटी दूर हो सके, जेंडर इनइक्वालिटी जो है वो दूर हो सके। ठीक है, तो ये क्या हम लोग को देखने को मिल रहा है, SARP स्मॉल होल्डर एग्री बिजनेस एंड रेजिलियंस प्रोजेक्ट। तो ये बेसिकली फूड इनसिक्योरिटी को कैसे प्रिवेंट करेगा, तो बताया जा रहा है कि फूड इनसिक्योरिटी और पॉवर्टी ये एक आप कह सकते हो कि एक जो तराजू है उसी में हम लोग को देखने को मिलते हैं, बैलेंस में हमें देखने को मिलते हैं। मतलब कि अगर फूड इनसिक्योरिटी हमें देखने को मिलेगी, यानी कि फूड सिक्योरिटी जहां पर होगी वहां पर गरीबी जो है वो कम हो जाएगी, राइट? जहां पर भी फूड सिक्योरिटी होगी और जहां पर भी गरीबी ज्यादा होगी तो ऑब्वियसली बात है वहां पर फूड इनसिक्योरिटी हम लोग को देखने को मिलेगी ही मिलेगी, राइट? तो ये चीज हम लोग को देखने को मिल रही है। और जो भी फार्मर जो है वो आज की रेट में बताया जा रहा है कि अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं अपनी जमीन को, अपने क्रॉप्स को मैनेज करना, राइट? और जब वो अपनी जमीन को, अपने क्रॉप्स को नहीं मैनेज कर पा रहे हैं, अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं, तो फिर वो कहां से प्रोड्यूस कर पाएंगे इतनी पर्याप्त मात्रा में फूड जिसकी आवश्यकता है, राइट? नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वो खुद ही अपने, जैसे कि अगर लेट्स से कि अगर कोई किसान के पास पैसे नहीं है बीज खरीदने के, राइट? किसान के पास पैसे नहीं है उस खेत को मैनेज करने के, तो फिर वो कहां से प्रोडक्शन कर पाएगा? नहीं कर पाएगा, राइट? तो ये चीज है। तो पहले ये चीज समझी कि यार मेन जो कॉज है या इशू है वो ये है कि किसान मतलब स्टार्टिंग लेवल पर, सोइंग लेवल पर, राइट, यानी कि बीज लगाने वाले लेवल पर, तो वहीं पर ही चीजों को मैनेज नहीं कर पा रहे। और अगर वहीं पर ही हम थोड़ी सी सपोर्ट करें किसानों को तो प्रोडक्शन जो है वो डेफिनेटली हो सकेगा। तो ये चीज यहां पर बताई जा रही है। इन टर्न मेनी ऑफ स्मॉल होल्डर्स जो हम लोग को फार्मर्स देखने को मिलते हैं, राइट, तो पॉवर्टी रिडक्शन एफर्ट जो है वो इसमें लाया गया, गरीबी दूर करने के प्रयास जो है वो लाए गए। और अगर ऐसा करेंगे, मतलब पहले भी, मतलब अभी इन्होंने जो है वो काम कर रहे हैं, वो शुरू किया है कि कुछ पॉलिसी जो है ये बना रहे हैं जिससे कि गरीबी जो है ये खत्म करेंगे, और जहां गरीबी खत्म होगी तो ऑटोमेटिकली वहां पर फूड प्रोडक्शन लेवल जो है वो इंक्रीज हो जाएगा। अब देखो, किसान गरीब है, उसके पास पैसा नहीं है बीज खरीदने का, बट उसको अगर आप फंड कर दोगे तो वो बीज खरीद पाएगा और बीज खरीदने के बाद वो प्रोडक्शन एक्टिविटी में इन्वॉल्व हो जाएगा, राइट? तो ये चीज यहां पर, ये फंडामेंटल इन्होंने यहां पर बताया हुआ है। तो अब इसके बारे में हम लोग बात करते हैं जो इसका मेन टॉपिक है, इंटरनेशनल फंड फॉर एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट। तो इसके बारे में हम लोग बात करें तो ये किसके अंडर आती है, यूनाइटेड नेशन के अंडर आती है। स्पेशलाइज्ड एजेंसी है यूनाइटेड नेशन की, 1977 में से क्रिएट किया गया है। और ये मेनली टारगेट करती है लोन्स और ग्रांट्स के ऊपर, ये लोन्स और ग्रांट्स प्रोवाइड कराती है लो इंटरेस्ट रेट में, राइट, कुछ प्रोजेक्ट्स के लिए जो प्रोजेक्ट्स एग्रीकल्चर से रिलेटेड या एग्रीकल्चर के हम लोग को देखने को मिलते हैं। IFAD जो है वो रूरल पीपल के साथ मिलकर जो है वो काम करती है, उनको अलाउ करती है कि वो फूड सिक्योरिटी जो है वो उनको मिल सके, न्यूट्रिशन इंप्रूव हो सके उनका, और उनकी इनकम जो है वो इंक्रीज हो सके, राइट? तो इस पर ये मेनली टारगेट करती है। ये लोगों के बिजनेस को एक्सपेंड करने पर हेल्प करती है, मदद करती है। और ये ऑर्गेनाइजेशन है
ये 1974 में हुए वर्ल्ड फूड कॉन्फ्रेंस का आउटकम का रिजल्ट हमें देखने को मिलता है। जरा बताओ ये ऑर्गेनाइजेशन कौन से ईयर का है, कब एस्टैब्लिश हुआ? अभी मैंने आपको पढ़ा है, देखते हैं किसको याद है कब एस्टैब्लिश हुआ, कौन से ईयर में ये एस्टैब्लिश हुआ, बताओ जरा। IFAD, बताओ जल्दी से बताओ फटाफट। इसका हेडक्वार्टर हम लोग को रोम में देखने को मिलता है और इसमें एक प्रेसिडेंट जो है वो हेड करते हैं इसको। 177 इसकी मेंबर कंट्रीज हैं और इसका मेन टारगेट हम लोग को देखने को मिलता है टू ब्रिंग आउट द रूरल डेवलपमेंट रिपोर्ट एवरी ईयर। मतलब कि मेन टारगेट, एक तो मैंने आपको बताया तीन टारगेट्स इसके मेनली हैं कि फार्मर्स की इनकम को जो है वो बढ़ाना, रूरल एरियाज में रहने वाले लोगों की जो लाइफस्टाइल है, लाइवलीहुड है, उसको इंक्रीज करना, न्यूट्रिशन लेवल जो है वो बूस्ट करना। आप लोगों ने इसका जवाब नहीं दिया, मतलब आप लोग ध्यान से नहीं पढ़ रहे हो, बट हाँ कुछ स्टूडेंट बहुत ध्यान से पढ़ रहे हैं। 1977 बिल्कुल करेक्ट आंसर है, राइट। तो आप जो मैं पढ़ा रहा हूँ उसको बहुत ध्यान से समझो, सिर्फ आपको सुनना नहीं है, उसको एक बार अच्छे से देखना है अंदर माइंड में, जब उसको कोशिश कर रही है कि आप पढ़ते पढ़ते पूरी चीज आपको याद होती जाए, इतने कॉन्सेंट्रेशन से पढ़ो, राइट। अब इसके तीन फोल्ड ऑब्जेक्टिव जैसा मैंने भी आपको बताया, एक तो पुअर पीपल की प्रोडक्टिविटी कैपेसिटी को इंक्रीज करना, पैसे देना, इंक्रीज करना कि उनको बेनिफिट मिल सके, राइट, मार्केट पार्टिसिपेशन से, स्ट्रेंथन करना एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी को और क्लाइमेट रेजिलियंस को उनकी इकोनॉमिक एक्टिविटीज में। तो ये चीज हम लोग को देखने को मिल रही है। तो ये इसके कुछ ऑब्जेक्टिव है, बेसिक सा आइडिया इसके बारे में होना चाहिए, वैसे तो इसके नाम से पूरी चीज क्लियर है अपन को, राइट। अब देखो राइट टू सिट, इसको तमिलनाडु में लाया जा रहा है, राइट टू सिट को तमिलनाडु ने एक बिल जो है वो रखा है जिसमें मैंडेटरी किया जा रहा है कि जितने भी एम्प्लॉयज वगैरह हमें देखने को मिलते हैं शॉप्स वगैरह के, राइट, तो उनको जो है मतलब उनके लिए राइट टू सिट जो है ये अधिकार जो है वो होना चाहिए, बैठने का अधिकार, राइट। तो ये चीज यहां पर बताई जा रही है। तो राइट टू सिट का मेन एम ये है कि हजारों की संख्या में एम्प्लॉयज जो हम लोग को छोटे या बड़े एस्टैब्लिशमेंट्स में, यानी कि दुकान वगैरह में, शोरूम्स वगैरह में जो देखने को मिलते हैं, पर्टिकुलरली ज्वेलरी के शोरूम में आप चले जाएं, कपड़ों की दुकान में आप चले जाएं, तो आप देखेंगे कि खड़े होकर जो है वो दिखाते हैं पूरे प्रोडक्ट्स वगैरह को और उनको बिल्कुल भी अलाउड नहीं होता है बैठना, ना ही कई बार कहा जाता है कि उनको इवन दीवार पर भी थोड़ी देर के लिए रेस्ट करना, टिकना जो है वो अलाउड नहीं होता है, राइट। और ऐसा करने पर उनको, यानी कि अगर वो बैठे हुए पाएगा तो उनको पनिशमेंट भी जो है वो हो जाती है। तो ये चीज़ जो गलत हो रही है, तो इसके कारण से उन लोगों को काफ़ी तकलीफ जो है वो होती जा रही है, हम लोग को देखने को मिल रहा है उनको। जैसे कि हम बात करें कि फिजिकल इश्यूज उनको होते जा रहे हैं, राइट, बोन से रिलेटेड इश्यूज होते जा रहे हैं, मसल से रिलेटेड इशू हो रहे हैं। तो ये सब चीज़ें जब देखी गई तो तमिलनाडु जो है ये बिल जो है वो लेकर आई है। तो याद रखना तमिलनाडु के अंदर ये बिल हम लोग को देखने को मिल रहा है कि जो भी प्रमाइसेस हैं, राइट, कहा जा रहा है कि वहाँ पर सभी इंप्लॉयज के लिए सीटिंग अरेंजमेंट जो है वो किया जाए, बैठने के लिए व्यवस्था जो है वो की जाए, राइट। और बिल जो है वो अमेंड कर रहा है तमिलनाडु शॉप्स एंड एस्टैब्लिशमेंट एक्ट 1947 को, इसमें एक सब सेक्शन जो है वो ऐड कर रहा है राइट टू सिट से रिलेटेड, राइट। और पर्सन जो भी शॉप्स के अंदर हम लोग को देखने को मिलते हैं एम्प्लॉयड हैं या कोई एस्टैब्लिशमेंट्स में, ऑफिसेज वगैरह में, राइट, स्टेट के अंदर, तमिलनाडु के अंदर, तो उन्हें जो है वो खड़ा रहने दिया जाता है बहुत समय पर उनकी ड्यूटी के समय पर, जो कि उनकी हेल्थ को जो है वो अफेक्ट कर रहा है। तो ये पूरी चीज़ हमने ऑलरेडी जो है वो देख ली है। इवन महिलाओं को भी बैठने के लिए जो है वो अलाउ नहीं किया जा रहा, काफ़ी मात्रा में वर्कफोर्स हम लोग को शॉप वर्कफोर्स देखने को मिल रही है, उनको अलाउ नहीं किया जा रहा बैठने के लिए, राइट। और इवन जैसे मैंने आपको बताया ना कि वॉल पे भी लीन अगर वो होते हैं, टिकते हैं, तो उनको पनिश किया जाता है। और इसी के कारण वेरिकोस वेन जो उनकी है और जॉइंट जो उनका है वो पेन करता है खड़े होने के कारण। और राइट टू सिट जो है मतलब वुड अवॉइड द ऑन देयर टोस सिचुएशन थ्रू आउट द वर्किंग आवर्स। तो मतलब कि राइट टू सिट के आने से, यानी कि इस अधिकार के आने से, वो जो पूरे दिन भर जो खड़े रहते हैं तो उस चीज को वो अवॉइड किया जाएगा, राइट, यानी कि उनको बैठने के लिए अलाउ किया जाएगा। तो ये चीज हमें देखने को मिल रही है। और इस चीज को कहां से इंस्पायर किया गया है, इंस्पायर हुआ है तमिलनाडु केरला से, क्योंकि कुछ साल पहले जो टेक्सटाइल शोरूम्स जो केरला के अंदर हैं उनके जो वर्कर्स हैं तो वो प्रोटेस्ट पे चले गए थे ये डिमांड करते हुए कि राइट टू सिट जो है वो लाया जाए। और इसी को देखते हुए केरला शॉप्स एंड एस्टैब्लिशमेंट एक्ट 2018 में अमेंड हुआ। तो अगर एक कोई स्टेटमेंट आया था कि तमिलनाडु पहली स्टेट है जो राइट टू सिट लेकर आई है, तो ऐसा नहीं है, केरला ऑलरेडी ला चुकी है कुछ साल पहले, तो जिसके बारे में एक आपको जनरल सा आइडिया होना चाहिए। तो ये था पूरा वर्ल्ड टॉपिक, होपफुली आपको पूरी चीज अच्छे से क्लियर हो गई होगी, समझ में आ गई होगी। अब नेक्स्ट टॉपिक की तरफ आगे बढ़े, आई डोंट थिंक इसमें कोई डाउट होगा। हाँ कोई बात नहीं राजीव जी, आप बाद में अटेंड जो है वो कर लीजिएगा, आपके पास लिंक तो ऑलरेडी अवेलेबल रहेगी इसकी, राइट, बट अटेंड जरूर करना। IUCN रेड लिस्ट ऑफ थ्रेटेंड स्पीसीज, तो सभी लोग जानते हैं IUCN की लिस्ट के बारे में, राइट,
तो आपको पता है कि 9 कैटेगरीज इसकी हम लोग को देखने को मिल रही है, नॉट इवैल्यूएटेड 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 नॉट इवैल्यूएटेड जो स्पीशीज हमें मतलब देखने को मिलती है, यानी कि अभी तक उसका इवैल्यूएशन नहीं किया गया, पता नहीं लगाया गया कि कितनी मात्रा में वो प्रजाति हम लोग को देखने को मिल रही है। डेटा डेफिशिएंट यानी कि अभी भी उसका डेटा डेफिशिएंट है, यानी कि अभी तक प्रॉपर यानी कि चालू कर दिया है उन्होंने उस स्पीशीज को आइडेंटिफाई करना, उसका सर्वे करना, बट अभी पर्याप्त डेटा उससे रिलेटेड नहीं है कि ये बताया जा सके कि वो किस कैटेगरी में रहेगी। लीस्ट कंसर्न में ऐसी प्रजाति हम लोग को देखने को मिलती है जिस प्रजाति के लिए अलका जी ने मेंशन किया है कि राइट टू सिट जो है वो किस पर्टिकुलर आर्टिकल में आएगा, तो वो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट जब बताएगी तब हम लोग उस पर मोहर लगाएंगे। अभी तक इससे रिलेटेड ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने मेंशन नहीं किया, मुझे ऐसा लगता है आर्टिकल 21 के अंदर ही आएगा, राइट, क्योंकि हेल्थ से रिलेटेड भी हम लोग को देखने को मिल रहा है, राइट, और राइट टू लाइफ, लिव लाइफ विद डिग्निटी वाली जो चीज होती है ना, आर्टिकल 21 है, मुझे ऐसा लगता है उसमें आएगा, बट अभी हमें मार्क नहीं कर रहा है क्योंकि अभी तक सुप्रीम कोर्ट ने इसके बारे में जो है वो मेंशन नहीं किया है, और मुझे नहीं लगता कि राइट टू सिट के बारे में अभी तक कहीं पर आया है कि आर्टिकल 21 के अंदर ये है, राइट, बट रहेगा तो ये 21 के अंदर ही, राइट, ये प्रैक्टिकल नजर आ ही रहा है, बट अभी ये क्वेश्चन नहीं पूछेंगे आपसे ये वाला, जब तक नहीं पूछेंगे तब तक ये क्लैरिटी जो है वो नहीं आ रही थी कि किस फंडामेंटल राइट के अंदर आएगा। अभी तक देखिए ये अपने स्टेट लॉज के अंदर बस इसको लेकर आ रहे हैं इस अधिकार को, राइट, शॉप्स की अभी अपने देखा ना कि शॉप एस्टेब्लिशमेंट के जो कानून है उसको अमेंड कर रहे हैं ये लोग, राइट, तो फंडामेंटल राइट के अंदर अभी एज सच कोई इन्फो नहीं आई है, बट आएगी तो ये राइट टू लाइफ के अंदर ही आएगा, राइट टू लिव लाइफ विद डिग्निटी, राइट। अब देखो इसकी बात करें, लीस्ट कंसर्न में वो प्रजाति हम लोग को देखने को मिलती है जिन प्रजाति के ऊपर मतलब ऐसा है कि उनकी क्वांटिटी बहुत ज्यादा मात्रा में है, उनके बारे में चिंता करने की ज्यादा कुछ आवश्यकता नहीं है। अब नियर थ्रेटेड मतलब कि यहां से स्थिति जो है वो गंभीर होती जा रही है, मतलब कि अब कुछ ऐसी चीजें देखने को मिली है कि सामने वाली प्रजाति जो है वो खतरे में है, राइट, खतरे के नजदीक है, वल्नरेबल यानी कि खतरा जो है वो शुरू हो चुका है, राइट, वल्नरेबल मुझे जहां तक ध्यान में आ रहा है, एक बार आप कंफर्म कर लीजिएगा कि वाइल्ड में ये प्रजाति जब तेजी से लुप्त होने लगती है तो वो वल्नरेबल की कैटेगरी में आ जाती है, फिर एंडेंजर्ड की कैटेगरी, फिर क्रिटिकली एंडेंजर्ड, फिर एक्सटिंक्ट एंड वाइल्ड, वो वाइल्ड में जो है वो पूरी तरह से लुप्त हो गई है, फिर एक्सटिंक्ट मतलब कि पूरी तरह से लुप्त हो गई। तो ऐसे करके आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि IUCN की रेड लिस्ट ऑफ थ्रेटेंड स्पीशीज के अंदर बताइए कितनी टोटल कैटेगरीज हैं, नंबर्स पूछ लें तो 9 ये आपको ध्यान में रखना है, नाम पूछ लें या फिर ऑप्शन दे दें इनमें से बताओ कौन सी कैटेगरी होती है, तो आपको ये वाले ऑप्शन जो है वो थोड़े से जो मैंने आपको बताए हैं वो ध्यान में रखने हैं, ठीक है, क्लियर है यहां तक बातें। तो IUCN कभी कभी फुल फॉर्म भी ये लोग पूछ लेते हैं, वैसे तो आपको रटा हुआ होना चाहिए, अभी तक इतनी बार हम पढ़ चुके हैं तो ये इसका फुल फॉर्म है, राइट। तो इसने अपनी मतलब लिस्ट जो है रेड लिस्ट उसको अभी रिसेंटली रिलीज किया है, बताया जा रहा है कि कुछ 902 प्रजातियां जो है वो ऑफिशियली एक्सटेंट हो चुकी हैं, लुप्त हो चुकी हैं 902 प्रजातियां, 30% प्रजाति यानी कि 38,543 आउट ऑफ जिसका आकलन किया गया 138,374 का, ये एक्सटेंशन के खतरे में बताई जा रही है, एक्सटेंशन के लुप्त होने के खतरे में बताई जा रही है, और कुछ 80 प्रजाति हम लोग को देखने को मिल रही है जो कि लुप्त हो चुकी हैं, राइट, 80 स्पीसीज एक्सटेंट हो चुकी हैं वाइल्ड में, और 8,404 जो है वो क्रिटिकली एंडेंजर्ड है, 14,647 ये एंडेंजर्ड है, यू डोंट नीड टू रिमेंबर द नंबर्स बट एटलीस्ट आपको पता होना चाहिए, आइडिया होना चाहिए कि ये लिस्ट जो है वो अपडेट हुई है, कि भारी मात्रा में हम लोग को प्रजाति देखने को मिल रही है। इसमें सबसे ज्यादा प्रजाति जो है, जैसे कि एक तो लीस्ट कंसर्न की प्रजाति तो वी नो अबाउट इट की सबसे ज्यादा ही होनी है, बट इनमें वल्नरेबल की बात करें तो 15,492 ये वल्नरेबल है, और 8,127 ये नियर थ्रेटेंड स्पीसीज हम लोग को देखने को मिल रही है, राइट। तो यानी चीज है जिसके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए, इंपॉर्टेंट स्पीसीज जिसके बारे में मेंशन किया गया है तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, एटलांटिक ब्लू फिन ट्यूना, तो मुझे जहां तक ऐसा लग रहा है ट्यूना स्पीसीज जो होती है वो फिश की स्पीसीज होती है, मैं एक बार कंफर्म कर लेता हूं, एटलांटिक ब्लू फिन BLUE ब्लू फिन ट्यूना, बिल्कुल सही, फिश की स्पीसीज है ट्यूना, क्योंकि जहां तक याद है फिश की स्पीसीज है, तो ये मछली एक हम लोग को देखने को मिलती है, ये एंडेंजर्ड से लीस्ट कंसर्न की कैटेगरी में जो है वो जा चुकी है, एंडेंजर्ड से लीस्ट कंसर्न, तो ये चीज ये इंपॉर्टेंट होता है, ये वाली चीज पूछी जाने वाली होती है कि स्पीसीज का नाम जो है वो रख दिया जाएगा, इसका साइंटिफिक नेम भी कई बार पूछ लेती है स्टेट सिविल सर्विसेज, तो थुनस थाइनस, राइट, तो ये इसका साइंटिफिक नेम है, फिर एक ऐसी सदर्न ब्लू फिन हम लोग को देखने को मिल रही है, तो ये भी फिन ब्लू फिन ट्यूना है, तो ये भी प्रजाति हम लोग को देखने को मिल रही है मछली की, राइट, ट्यूनस मेकोई
राइट, तो ये चीज आपको ध्यान में रखना है, ये क्रिटिकली एंडेंजर्ड से एंडेंजर्ड की कैटेगरी में जा चुकी है। दुनिया का सबसे बड़ा लिविंग लजार्ड कोमोडो ड्रैगन, अगर शायद मैं गलत नहीं हूं तो ये कोमोडो ड्रैगन मुझे ऐसा लगता है इंडोनेशिया मलेशिया इन क्षेत्र में पाए जाते हैं। एक बार और फिर से कंफर्म कर लेते हैं, चेक कर लेते हैं। हाँ बिल्कुल, ये लिखा तो है कि ये स्पीसी जो है वो इंडोनेशिया की हमें देखने को मिलती है, बिल्कुल। तो ये चीज याद रखना है, इस प्रकार से चीजों को आपको याद रखना है, ठीक है। और कोमोडो ड्रैगन का ये साइंटिफिक नेम हमें क्या देखने को मिलता है, वेरेनस कोमोडोएंसिस। एक शाहरुख खान के ऊपर एक कोमोडो ड्रैगन का एक वो किया था, एक किसी ने सऊदी अरब के वो मुझे मतलब एक कोई था शेख था शायद कोई, तो उसने प्रैंक किया था, वो वीडियो भी काफी ज्यादा वायरल हुआ था, शायद आप लोगों ने देखा हो वाला वीडियो, कि वो कोमोडो ड्रैगन ही था मेरे ख्याल से, कि जिसकी मतलब शाहरुख खान के ऊपर जो प्रैंक किया गया था, आपने शायद देखा होगा कि एक रेत में उसको दलदल में जो है वो नकली दलदल में डाल दिया और कोमोडो ड्रैगन उसके पास आ रहा था, राइट। उसके अंदर एक आदमी था, मतलब पूरा पहना हुआ, बल्कि वाकई में वो रियल लग रहा था, जिन्होंने देखा होगा वो रिलेट कर गए, नहीं देखा होगा कभी फ्री टाइम में तो देखना, बड़ा एंटरटेनमेंट है वो, राइट, एंटरटेनिंग है। तो वल्नरेबल से एंडेंजर्ड की कैटेगरी में चला गया ये कोमोडो ड्रैगन भैया, और स्पीसीज जो है इंडोनेशिया में पाई जाती है कोमोडो की, और ये पूरे दुनिया भर में हमें देखने को मिलता है कि कोमोडो नेशनल पार्क जो है हेरिटेज लिस्टेड जो कोमोडो नेशनल पार्क है, ये भी हम लोग को देखने को मिलती है कि यहाँ पर हम लोग को नजर आती है, राइट। तो ये वाली चीज़ है, और उसके आसपास के एरिया पर भी देखने को मिल जाती है, बट मेनली कोमोडो ड्रैगन इंडोनेशिया में पाए जाते हैं। IUCN की रेड लिस्ट ऑफ थ्रेटेंड स्पीसीज की बात करें तो वर्ल्ड मोस्ट कॉम्प्रीहेंसिव इन्वेंट्री, इन्वेंट्री मतलब कि डेटा हम लोग को देखने को मिलता है, यानी कि एक फाइल है, डेटा हम लोग को इसमें नजर आ रहा है, राइट, किसका, ग्लोबल कंजर्वेशन स्टेटस का, कि पूरे दुनिया भर में प्लांट्स और एनिमल्स की प्रजाति हैं उनके कंजर्वेशन स्टेटस की बात की जाती है, कि उनको कितनी मतलब स्ट्रांगली जो है वो कंजर्व करना है, कितने स्ट्रांगली प्रोटेक्ट करना है, तो उसकी जानकारी देता है IUCN, राइट। स्पीसीज जो है वो कैटेगराइज होती है क्वांटिटेटिव क्राइटेरिया के आधार पर, क्वांटिटी मतलब कितने नंबर्स में ये प्रजाति हैं, उस आधार पर इनको जो है वो क्लासिफाई किया जाता है और इवेल्युएट किया जाता है, आकलन किया जाता है कि कितने खतरे में है वो, राइट, एक्सटेंशन के, लुप्त होने के, ठीक है। तो ये चीज हम लोग को देखने को मिलती है। IUCN की रेड लिस्ट की कैटेगरीज की बात करें तो 9 कैटेगरी मैंने आपको बताया, याद रखना है पूरी कैटेगरीज के नाम पता होना चाहिए, इसलिए स्टार्टिंग में बता दिया, राइट। तो ये पूरी कैटेगरीज हम लोग को 9 की 9 हमें देखने को मिल रही है, राइट। और इसका फायदा हम लोग को क्या देखने को मिलता है, इसका उपयोग क्या होता है, यूटिलिटी क्या होती है रेड लिस्ट की, तो इसमें हमें देखने को मिलता है कि धरती में बायोडाइवर्सिटी कितनी तेजी से और कितनी मात्रा में कहाँ कहाँ पर डिक्लाइन इसका रिकॉर्ड किया जा रहा है, देखने को मिल रहा है, रिड्यूस हो रही है, तो उसके एक अच्छी जानकारी जो है वो मिलती है, राइट। और ये पता लगता है कि किस प्रकार से ह्यूमन जो है वो प्लैनेट में लाइफ को जो है वो इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, यानी कि दूसरे जो प्रजाति हैं उसको इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, राइट। और पूरे दुनिया भर में इसको एक्सेप्ट किया जाता है, ग्लोबली एक्सेप्टेड स्टैंडर्ड ये हम लोग को देखने को मिलता है, जिसको देखते हुए कदम उठाए जाते हैं कि कैसे प्रजातियों को जो है वो कंजर्व करना है, प्रोटेक्ट करके रखना है, राइट। साइंटिस्ट फिर एनालाइज करते हैं स्पीसीज के परसेंटेज को, कैटेगरीज में जो मौजूद जो स्पीसीज होती हैं, फिर ये एनालाइज करते हैं कि मतलब अगर इनको हमने कंट्रोल नहीं किया तो कितने समय बाद ये पूरी तरह से लुप्त हो जाएंगे, ऐसा प्रेडिक्शन नहीं आता, कई बार हम लोग पढ़ते हैं कि 2050 तक काफ़ी सारी प्रजातियां जो है वो लुप्त होने वाली हैं, तो इसके बारे में ऐसी ऐसी चीज़ें हम लोग जो है वो पढ़ते रहते हैं, तो ये चीज़ है। तो इसके बारे में एक बेसिक सा आप लोग को जो है वो आइडिया होना चाहिए। तो ये था पूरा ओवरऑल टॉपिक इससे रिलेटेड, आई डोंट थिंक इसमें कोई डाउट होगा। अब आगे की तरफ बढ़ते हैं, अकाउंट एग्रीगेटर्स, तो ये थोड़ा सा टॉपिक इंपॉर्टेंट है, बहुत ध्यान से इस चीज को समझिएगा कि अकाउंट एग्रीगेटर्स है क्या, ठीक है। अकाउंट एग्रीगेटर्स सिस्टम इन बैंकिंग, तो पहली बात तो बैंकिंग के अंदर ये सिस्टम है, 8 इंडिया के लार्जेस्ट बैंक जिसमें HDFC बैंक है, ICICI है, एक्सिस बैंक है, तो इसमें यह अकाउंट एग्रीगेटर सिस्टम की शुरुआत हुई है, राइट। और जब यह पूरी तरह से ये सिस्टम जो है वो काम करेगा, पूरी तरह से फंक्शनल हो जाएगा, तो ये सिस्टम जो है इट मेक्स लेंडिंग एंड वेल्थ मैनेजमेंट अलॉट फास्टर एंड चीपर। लोन देना और किस प्रकार से जो पूरा पैसा जो रखा हुआ है बैंक के अंदर उसको मैनेज करना और आसान हो जाएगा और बेहतर हो जाएगा। देखो मैं आपको आसान और सिंपल शब्दों में अभी अभी एक चीज एक्सप्लेन करता हूं कि जैसे ही अकाउंट एग्रीगेटर्स अगर आए तो आपके दिमाग में तुरंत क्लिक कर रहा है कि ऐसा सिस्टम है जो सामने वाले इंडिविजुअल यानी कि व्यक्ति, जैसे कि कोई एक व्यक्ति है उसे अगर बैंक से लोन चाहिए तो बैंक क्या करती है, बैंक सबसे पहले यह चेक करती है कि वो व्यक्ति की रिपेइंग मतलब एबिलिटी है कि नहीं, कैपेसिटी है कि नहीं रिपेइंग, यही होता है ना। हर किसी को तो जितनी डिजायर्ड अमाउंट होती है उतना लोन नहीं मिल पाता। अब जैसे फॉर एन एग्जाम्पल एक व्यक्ति जो है जो रिक्शा चलाता है
राइट, उसको थोड़े ना 1 करोड़ का लोन मिल जाएगा, बट एक कोई इंडस्ट्रियलिस्ट है उसको तो आसानी से 1 सेकंड में 1 करोड़ का लोन जो है उसका सैंक्शन हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी उसको, राइट, क्योंकि पता है बैंक वालों को कि अच्छा इसकी रीपेइंग कैपेसिटी अच्छी है, तो रीपेइंग कैपेसिटी को देखा जाता है। दूसरी बात, पास्ट में कहीं उसने कोई लोन डिफॉल्ट तो नहीं किया, उसको भी चेक किया जाता है, सिबिल स्कोर जिसको हम लोग बोलते हैं वो देखती है बैंक, राइट, ये सब चीजें होती हैं। बहुत सारी चीजों को देखने के बाद फिर बैंक का लोन जो होता है वो सैंक्शन होता है, राइट। इवन कई केसेस में प्रॉपर्टीज वगैरह, कई या ऑलमोस्ट सभी केसेस में प्रॉपर्टी हमें देखने को मिलती है कि गिरवी करनी होती है, उसमें देखा जाता है कि इस प्रॉपर्टी की वैल्यू है कि नहीं, कि अगर बाई चांस ये एनपीए हो जाए, यानी कि हमें लोन ना दे, रिटर्न ना करे, तो हम एटलीस्ट इसकी प्रॉपर्टी बेच के रिकवर जो है वो कर सकें, वो सब चीजें चेक की जाती हैं। अब ये सब प्रोसीजर में होता है, लगता है थोड़ा टाइम। तो अकाउंट एग्रीगेटर सिस्टम का क्या काम होगा, तो ये सिस्टम जो है वो इस पूरी प्रोसेस को काफी फास्ट कर देगा। जो पूरी प्रोसेस मैंने अभी आपको बताई ना, एक व्यक्ति के इंडिविजुअल, एक इंडिविजुअल का क्या स्कोर है या क्या उसका बैंकिंग रिकॉर्ड्स है, तो उसको एक जगह पर रखेगा, हर एक इंडिविजुअल के रिकॉर्ड्स ऐसे करके मेंटेन करके चलेगा, और तुरंत जो है वो बैंकर जो है वो तुरंत 1 सेकंड के अंदर सामने वाले व्यक्ति जैसे ही आया, तो जैसे कि हम देखते हैं ना कि कई सारी कंपनीज वगैरह होती हैं वो आपके रिकॉर्ड्स जो है वो रखती हैं, जैसे कि बहुत सारी कंपनी, जैसे कि लेट से अपनी ही कंपनी देख लो आप, जो आज जो भी पेड कोर्स वगैरह लेते हो, राइट, जो भी पेड कोर्स परचेज करते हो, तो उसका पूरा मेरे पास रिकॉर्ड रहता है कि कब किस दिन आपने परचेज किया, राइट। तो ये रिकॉर्ड जो है वो मतलब फाइनेंस के लिए जो है वो रखना रहता है। ऐसे काफी सारी कंपनीज रिकॉर्ड जो है वो मेंटेन करती है, जैसे कि कल को, जैसे कि कई बार मेरे स्टूडेंट्स ऐसे भी होते हैं, कई बार जो है वो भूल जाते हैं, मतलब या फिर उनको आईडीज वगैरह चेंज करनी होती है, तो मेरे पास रिकॉर्ड रहता है जिसके थ्रू मैं उनको बता देता हूँ कि अच्छा ये आपकी ये आईडी पे, या फिर आपने इस दिन ये वाला नंबर दिया था, इस नंबर से चेक करो, इस नंबर से लॉगिन करो, इस ईमेल से लॉगिन करो, आपका हो जाएगा, राइट, खुल जाएगा। कई बार ऐसा होता है कुछ स्टूडेंट होते हैं कहीं पर बिजी हो गए कुछ महीने के लिए, वापस रिटर्न किया उनने और बोला कि सर ये खुल नहीं रहा है, हमारी ईमेल आईडी से बताइए, थोड़ा कुछ हेल्प करिए, तो फिर मैं उनको रिप्लाई करता हूँ कि ये इस ईमेल आईडी से चेक करो, खुल जाएगा, राइट, या फिर इस ईमेल आईडी पे देखो आपको ईमेल जो है वो मिल जाएगा, या ड्राइव पर इस ईमेल आईडी के थ्रू लॉगिन करो, राइट। तो ऐसी चीजें होती हैं, तो ये इससे क्या हो रहा है, चीजें फास्ट हो गई, आसान हो गई, सामने वाले व्यक्ति जो कस्टमर है उसके लिए भी कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। तो वैसे बैंकिंग सेक्टर में जो कस्टमर है, जो क्लाइंट्स है, जिसको लोन चाहिए, वो बैठेगा और बैठकर सामने जो बैंकर है वो तुरंत ओपन कर लेंगे अपने सिस्टम पर, सामने वाले व्यक्ति का सिबिल देख लेंगे, ये भी बता देगा वो कि कितना इसको लोन जो है वो दे सकते हैं, मतलब वो वाला भी प्रेडिक्शन करके देगा, राइट, बैंकर्स के लिए। तो कितनी चीजें आसान हो जाएगी बैंकिंग सिस्टम के अंदर, और आसानी से जल्दी लोन भी मिल जाएगा लोगों को, और हम लोग तो चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा लोन जो है वो डिस्ट्रीब्यूट हो मार्केट के अंदर अभी इस समय पर, जैसे कि बिजनेस एक्टिविटी जो है वो जल्दी जल्दी शुरू हो और हमारी इकोनॉमी जो है वो रिकवर हो, है ना। तो ये चीज है, तो ये चीज करता है अकाउंट एग्रीगेटर, जो चीज मैंने पूरी आपको एक्सप्लेन करी है, ये स्टोरी बस आपके दिमाग में आपको फिट करके रखनी है। आज आप थ्योरी देख लेते हैं। अकाउंट एग्रीगेटर इज अ नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी, एनबीएफसी, और इवन बैंकिंग कंपनी भी होती है, ऐसा नहीं है कि नॉन बैंकिंग बैंकिंग कंपनी नहीं होती, बैंकिंग भी होती है, अभी उसके बारे में भी आएगा। एनबीएफसी एंगेज इन बिजनेस ऑफ प्रोवाइडिंग अंडर अ कॉन्ट्रैक्ट द सर्विस ऑफ रिट्रीविंग और कलेक्टिंग फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। क्या लिखा है, कलेक्टिंग फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन पर्टेनिंग टू इट्स कस्टमर। तो एक कंपनी है जो कि अपने कस्टमर्स के पूरे डेटा को कलेक्ट करेगी। किस टाइप के डेटा, और देखो कस्टमर के कंसेंट के थ्रू, उसकी सहमति के थ्रू, ऐसा नहीं होना चाहिए कि उसका पर्सनल डेटा लिया जा रहा है बिना उसकी सहमति के, उसकी सहमति से डेटा लिया जा रहा है, राइट। जैसे कि बहुत कुछ जो होता है डेटा सेंसिटिव होता है, कुछ डेटा जो होता है वो सेंसिटिव नहीं होता। सेंसिटिव डेटा की कैटेगरी में क्या जाएगा कि आप जो है वो सामने वाले की पर्सनल जो है वो डिटेल जो है वो अपने पास मेंटेन करके रख रहे हो, स्टोर करके रख रहे हो, राइट। तो वो वाली जो डिटेल्स हम लोग को देखने को होती है, और सामने वाले के बिना कॉन्सेंट के, बिना उसको बताए, बिना उससे मांगे, आपने जो है वो इलीगल मीन्स के थ्रू जो है वो उसका डेटा ले लिया, राइट, और स्टोर करके अपने पास रख लिया, तो वो चीज जो होती है वो इलीगल कैटेगरी में जो है वो आ जाती है। बट लीगल कैटेगरी मतलब सामने वाले व्यक्ति से अगर आप जब कंसेंट लेते हो तब वो चीज है वो लीगल कैटेगरी में हो जाती है। तो कि उसके अब देखो किसी की बैंकिंग इन्फॉर्मेशन रखना तो ऑब्वियस ही बात है कि वो इलीगल जो है वो कहलाया जाता है, वो किस जो है वो नहीं रखना रहता। जैसे आप किसी के आधार कार्ड को कलेक्ट करके रख रहे हो, राइट, किसी के इस टाइप के डॉक्यूमेंट्स को कलेक्ट करके रख रहे हो, तो वो सब चीजें इलीगल हो जाती हैं, राइट, बिना उसके कॉन्सेंट के। बट यहां पर ये जो एग्रीगेटर्स होंगे ये सामने वाले व्यक्ति के कॉन्सेंट के मतलब उसकी सहमति से ही जो है वो ये सब डेटा जो है वो रखेंगे अपने पास। It is also engaged in consolidating, organizing, and presenting such information to customer or any other financial information user as may be specified by the bank. तो account aggregator सिर्फ data collect करने का काम करेगा, उसको manage करने का काम करेगा। तो कैसे काम करेगा ये पूरी चीज, तो 3-tier structure इसका हमें देखने को मिलेगा। एक होगा account aggregator, एक होगा FIP यानी कि financial information provider, और एक होगा FIU financial information user। तो financial information provider जो है
ये डेटा फिड्यूसियरी हम लोग को देखने को मिलता है, जो कि कस्टमर के डेटा को अपने पास रखता है, यानी कि होल्ड करके रखता है, यानी कि ये मान के चलो कि ये एक अलमारी है, मतलब फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन प्रोवाइडर, तो इस अलमारी में पूरे कस्टमर का डेटा जो है वो रखा हुआ है, राइट। तो ये बैंक हो सकती है, एनबीएफसी हो सकती है, क्योंकि आप बैंक में जाओगे तो आप फॉर्म भरते हो, म्यूचुअल फंड्स अगर आपको लेना है तो आप फॉर्म भरते हो, तो ये आप जो फॉर्म भरते हो ये पूरा डेटा जो है वो यहाँ पर कलेक्ट होकर रखा जाता है, राइट। तो ये पूरा क्या है, पूरा डेटा जो है वो कलेक्ट होकर कहां पर रखा हुआ है, एफआईपी पे, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन प्रोवाइडर के पास, और फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन यूजर ये उस डेटा को कंज्यूम करता है एफआईपी से। तो एफआईपी इन्हें डेटा देती है, ये उन डेटा को अपने पास रखते हैं, और एफआईयू जो होती है वो लेंडिंग बैंक होती है, ऐसी बैंक होती है जो लोन देने वाली होती है, राइट, जिसे एक्सेस चाहिए होता है बोरोअर्स के डेटा का, राइट, जिससे कि वो ये पता लगा सकें कि सामने वाले को कितना अमाउंट में लोन देना है, राइट, कि सामने वाले व्यक्ति की कैपेसिटी है कि नहीं उसको रिकवर करने की, तो वो चीज चेक करने वाली अथॉरिटी होती है एफआईयू। देखो आपको तीन स्ट्रक्चर बस समझना है, अकाउंट एग्रीगेटर, इसमें एफआईपी और एफआईयू को आपको समझना है। एक बैंक के पास आप गए, आपने डेटा बैंक को दिया, अब बैंक ने अपने पास एक डिपार्टमेंट में डेटा जो है वो स्टोर करना शुरू कर दिया, एक डिपार्टमेंट उनका ये है एफआईयू कि जो कि उस मतलब इंफॉर्मेशन को, यानी कि जो कस्टमर की इंफॉर्मेशन है उसको मैनेज करता है, इस तरीके से रखता है कि सामने वाले व्यक्ति को कितना लोन देना है उसको, उसका आकलन करते हुए पूरी चीजों को वहां पर रखता है, राइट। तो इस तरीके से चीजें जो है वो काम करती हैं, और बैंक प्लेज अ ड्यूअल रोल, तो बैंक के पास दो रोल हम लोग को देखने को मिलते हैं, एफआईयू के भी और एफआईपी के भी। तो ये बात आप सभी लोग जानते हैं, बैंक इंफॉर्मेशन भी कलेक्ट करती है, और बैंक में ही हमें देखने को मिलता है कि वो बताते हैं कि सामने वाले व्यक्ति को, जैसे रिलेशनशिप मैनेजर होते हैं ना, तो इनका काम होता है कि वो सामने वाले व्यक्ति को जो है वो बताएं, राइट, कि कितना आपको जो है वो लोन मिल सकता है, क्योंकि उन्हें जो है पूरी इंफॉर्मेशन ऊपर से जो है वो आती है, बोलते हैं ना कि यार हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन आई है हमारे सिस्टम से वो यही है कि आपको हम इतना लोन जो है वो ऑफर कर सकते हैं। तो ये इस प्रकार से पूरा गेम चलता है, और इस नए सिस्टम के बेनिफिट ये होंगे कि बहुत जल्दी बैंक्स के लिए, इवन टैक्स अथॉरिटीज के लिए, इंश्योरर्स के लिए, और भी दूसरी फाइनेंस फर्म्स के लिए बहुत जल्दी कस्टमर का डेटा जो है वो उन्हें मिल सकेगा, उनकी सहमति के साथ ऑब्वियसली, कस्टमर का डेटा, राइट, और इसी डेटा के माध्यम से स्मूथ ट्रांजेक्शन जो है वो इंश्योर किया जा सकेगा, यानी कि अगर किसी को लोन चाहिए तो तुरंत जो है वो लोन मिल सकेगा, इन्फॉर्म डिसीजन जो है वो लिया जा सकेगा कि इसको लोन देना है कि नहीं देना है, तो ऐसी चीज हम लोग को देखने को मिलेगी। इट विल ऑल्सो इनेबल कस्टमर टू इजिली शेयर एक्सेस एंड शेयर देयर फाइनेंशियल डेटा, तो अब कस्टमर भी अपने डेटा को जो है वो किसी के साथ शेयर कर सकते हैं, उनके पास भी अथॉरिटी आ जाएगी अकाउंट एग्रीगेटर्स के थ्रू, एंड इट अलाउज कस्टमर टू अवेल वेरियस फाइनेंशियल सर्विसेज, काफी सारी फाइनेंशियल सर्विसेज कस्टमर को मिल सकेगी एक ही सिंगल पोर्टल पर, राइट तो ये चीज हमें देखने को मिलेगी। इसमें इंडिविजुअल को बहुत समय तक बैंक पर वेट नहीं करना पड़ेगा, राइट, इवन ये भी बताई जा रही है कि उनको कस्टमर को कहीं पर भी, मतलब ये चीज यहां पर हमें देखने को मिल रही है कि उसको परेशान होने की आवश्यकता नहीं होगी, उसकी जो प्रोसेस होगी चाहे वो लोन से रिलेटेड हो या इंश्योरेंस से रिलेटेड हो बहुत फास्ट हो जाएगी, राइट। तो ये चीज हम लोग को देखने को मिलेगी, बस ये वाली चीज है जिसके बारे में बेसिकली आपको बस आइडिया होना चाहिए, एक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि किस प्रकार से ये जो है वो काम करेगा, और AA फ्रेमवर्क जो है ये क्रिएट किया जा रहा है इंटर रेगुलेटरी डिसीजन के द्वारा RBI के और दूसरे रेगुलेटर्स के, इसमें सेबी इंक्लूडेड है, इसमें प्रोविडेंट फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी इंक्लूडेड है, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी डेवलपमेंट काउंसिल का ये इनिशिएटिव हम लोग को देखने को मिल रहा है, उसके थ्रू ये पूरी चीजें हम लोग को नजर आ रही है, यानी कि काफी सारे जैसे कि इंश्योरेंस सेक्टर के रेगुलेटर्स, बैंकिंग के रेगुलेटर्स, सब लोग इसके अंदर जो है वो इन्वॉल्व हम लोग को देखने को मिल रहा है, और इसका लाइसेंस ऑब्वियसली बात है, वी नो अबाउट इट, कि RBI ही जो है वो जारी करेगी, राइट। तो ये चीज है जिसके बारे में आपको एक बेसिक सा आइडिया, बेसिक सी जानकारी होनी चाहिए, और इसी के साथ आज का सेशन फिनिश होता है। आपको अगर कुछ पूछना है, कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। ठीक है, चलो गाइस फिर साइन ऑफ करें सेशन को। एनवायरमेंटल साइंस की हिंदी, आप एनवायरमेंट कोर्स की बात कर रहे हो क्या, बल्कि एनवायरमेंटल साइंस पर्यावरण विज्ञान होगा मेरे ख्याल से शायद, या कोर्स के हिंदी के PDF की बात कर रहे हो। हिंदी का PDF अभी तक का मेरे ख्याल से 200 पेजेस के आसपास तो आपको हिंदी का वो दे दिया है,
एनवायरमेंट एनवायरमेंट के कोर्स पे, और बाकी अभी एक दो दिन बस मुझे दो, मैं जल्दी से जल्दी उनसे मतलब अपने जो फैकल्टी है उनसे बोल के जल्दी से इसका ट्रांसलेशन आपको प्रोवाइड कराता हूँ, आ जाएगा। रिंकी जी आप इसमें चेक किया करो ना, ये नोटिफिकेशन ही आपको लिंक जो है वो इसमें मिल जाएगी, लिंक यहां पर एक्सेल शीट में अपलोड हो जाएगी। वॉइस बैकग्राउंड से आज गाइस सभी को बैकग्राउंड का इशू आ रहा है क्या? वैसे तो यार सिर्फ पंखा ही चल रहा है और कोई आवाज तो आ नहीं रही है यहां पे। चलो फिर साइन ऑफ करते हैं ना, मिलते हैं गाइस कल, तब तक लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे अहेड, जय हिंद। अच्छा मैं एक काम करूंगा, एक चीज मुझे अभी समझ में आई है, कल मुझे बताना है कि कहां पर वॉइस जो है वो क्लियर हो रही है, मैं इसके डेसिबल को कम करके एक बार चेक करूंगा, डेसिबल बहुत ज्यादा इसका है, इसको कम, अभी आई है क्या, अभी आवाज ठीक आई? अच्छा वो लेट आता है क्या? अरे नहीं, वो आज मैंने लेट वो किया है, एक्चुअली क्या हो रहा था, यहाँ पे बहुत ज़्यादा तेज़ जो है वो बारिश हो रही थी, तो बार बार पावर कट जो है वो बहुत ज़्यादा हो रहा था, और अपने इस पे लैपटॉप में बैटरी नहीं थी, कल पूरी रात भर जो ये चला है एनवायरमेंट का आपका जो वीडियो था उसकी रेंडरिंग हुई है, अब क्लियर हो गया ना? अरे वायर ये पता है पहले बोल दिया होता आपने, मैंने जस्ट अभी चेक किया कि डेसिबल इसका बहुत ज़्यादा ओपन था, तो अब मैं इसको कम कर दूंगा, कल की क्लास में एक बार और टेस्ट कर लेंगे। वैसे अब ठीक लग रहा है आपको कि और कम करूं? ये देखो और कम किया अपन ने, अब बताओ अब और क्लियर लग रहा है क्या? ये बैकग्राउंड नॉइज जो आती है ना वो डेसिबल के कारण आती है। -30 पे कर देता हूं शायद, -30 पे देखो आप, अब बताओ -30 पे कर दिया है, अब पीछे की कोई नॉइज आ रही है कि पंखे वंखे की या कोई भी, इसकी सिर्फ मेरी आवाज आ रही है। हाँ शुभोजीत जी, मैं टाइम स्टैम्प यार एक्चुअली क्या हो रहा था कि कल के लेक्चर में लगा नहीं पाया, कल बहुत हेक्टिक टाइम जो है वो चल रहा था, और अभी भी जैसे भागा दौड़ी अभी से शुरू हो जाएगी मेरी, मतलब बस 15 मिनट के अंदर फिर दूसरे प्रोजेक्ट पर काम शुरू हो जाएगा, तो थोड़ा सा क्या टाइमिंग का इशू है यार, मैं लगा दूंगा, अभी लगवा दूंगा। हेल्फोटा क्या होता है? अच्छा वॉइस कम हो गई क्या? एक मिनट रुक जाओ। अच्छा अब बताओ आप कैसी है? -20 कर दिया, -30 से -20 कर दिया। अच्छा हेल्प होता है। अच्छा सॉरी यार। अच्छा समझ गया मैं। अरे हाँ यार मैंने इसको एक साथ पढ़ लिया, हेल्प होता तो ऐसा लग रहा था। अच्छा थैंक यू यार। आप बताओ अभी वॉल्यूम कम आ रहा है क्या? थोड़ा और डेसिबल माइनस करूं क्या? अच्छा चलो लो। अच्छा ये बताओ अब ठीक है? तो -20 पे ही ठीक था मतलब, चलो वेरी गुड। तो -20 में मैंने रख दिया इसको, इस पे रखेंगे अपन। अरे यार पहले बोल देते यार, अब इतनी समस्या तुरंत क्लियर कर देते, उसमें कोई दिक्कत वाली बात थोड़ी ना है। ठीक है चलो फिर अपन अब मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे अहेड, जय हिंद।